नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमर। मैं हूं आदि। आप सभी देश और प्रदेश वासियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी देश और प्रदेश वासियों को उत्तराखंड बीजन परिवार और सदस्यों की तरफ से हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। माता रानी और कुबेर महाराज आप और हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप और हम सबके घर में सुख शांति और समृद्धि आए। चलते हैं हम मार्केट, वहाँ चल के आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू, कितनी रौनक है, कितनी कितनी दुकानें सजी हैं और क्या खास है और क्या नया है। तो गाइस, आपको जैसे कि पता है आज है धनतेरस और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और उत्तराखंड में आपका स्वागत है दोबारा से एक बार। हमारे पापा ने आपका इंट्रो कर दिया होगा और अभी हम चल रहे हैं सीधे मार्केट को। हमारे लिए पिस्तल भी निकले और देखते हैं वहाँ कैसा हाल जा रहा है। चलो भाई, चलो सीधे अब मार्केट को। और ये देख सकते हैं गुब्बारों की कैसे डेकोरेट किया है, आपको और दिखाते हैं। हम हमने गाड़ी पार कर रखी है। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं पिस्टल और बम धमाके वाली दुकानों में। चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या है और कैसे चल रहा है। हेलो, और साथ में आदि भी आए हैं। और देखिए, आप पहले ही होता था कि एक दुकानें जो है दूसरी साइड में लगी थी, इस समय पूरी एक साइड में लगी और कोई भी खतरा इस समय किसी को भी नहीं है। रौनक थोड़ा सा कम दिख रही है आज, लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम होगी वैसे वैसे रौनक बढ़ती रहेगी। आपको दिखाएंगे पूरा व्यू हम यहाँ और लाल का दोनों मार्केट का कंपेरिजन करके दिखाएंगे। नमस्कार जी, गनवाल जी कैसे हैं? पंडित जी, पंडित जी क्या हाल है, क्या हाल है, बताओ। और ये है करुण भाई की दुकान। बोरा जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, कैसा चल रहा है कारोबार? बढ़िया, बड़ा ठंडा ठंडा चल रही है मार्केट सभी को। मार्केट बहुत ठंडा लग रहा है हम लोगों को, है क्या बात? लोग बात जागरूक हो गए या कुछ कमी आ गई है? अच्छा, ये बात है। हाँ, आज भारत पाकिस्तान का मैच होने के कारण भी एक मार्केट में कुछ रौनक कम है। जैसे ये मैच फाइनल होगा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ये रौनक धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। विराट ने, अरे विराट कोहली बहुत खेलता है यार, रोहित शर्मा आउट होने के बाद। ये देख सकते हैं आप बम पटाखों की दुकान यहाँ से सामने लास्ट तक। सब ऐसा ऑनलाइन की व्यवस्था भी है सब। होटियाल जी, क्या हाल चाल है? हमारे होटियाल जी भी आए पटाखा लेने के लिए, खरीदने के लिए। हमारे पटाखे लेने आए, दम बम लेने आए। एक से बढ़कर एक दुकानें सजी हुई हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, ले रहे हैं अभी तो हम घूम ही रहे। हाँ, एक लगाओ आँखों की दुकान जी। लोग बना रहे हैं, आज भीड़ भाड़ कुछ कम दिख रही है। शायद भारत पाकिस्तान का मैच एक इसका कारण भी बताया जा रहा है।
जैसी मैच समाप्त होता है उसके बाद ये रौनक थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आई होप कि बढ़ते रहे और इनका कारोबार चलते रहे। हम यहाँ से लेने आए हैं आदि के लिए बंदूक। दिखाओ भैया बंदूक, दिखाओ आदि को। अरे यहाँ तक जाता है पूरा। दिल्ली तो बंदूक तो ले लिए, दिखाओ जरा यहाँ हन्नू। परचेज किया वो ये है और इससे दिल्ली निकालने से पता नहीं कैसे आएगी, और अभी तो फिलहाल ऐसी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है अभी भी। तो गाइस हमने अभी आपने जैसे कि देखा हमने थोड़े पटाखा परचेज किए अपनी बंदूक परचेज की, और अब चल रहे हैं हम लाल गोवा को, वहाँ का सीन दिखाएंगे। और यहाँ अब भीड़ बढ़ चुकी है, जैसे ही इंडिया जीती वैसी काफ़ी गाड़ियाँ और काफ़ी लोग आ चुके हैं पटाखे खरीदने, और अब सब कुछ भी ले सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं और आपको पूरी बाजार घुमाएंगे हम इतनी। पैर रखने की जगह तो हो ही नहीं थी, और इस बार तो इस वाली दिवाली में कुछ ज्यादा ही हो गई। तो मित्रों ये देख सकते हैं लालको मार्केट में हम पहुंच चुके हैं, और कितनी जबरदस्त भीड़ यहां पर देखने के लिए मिल रही है काफी उत्साह उमंग के साथ। और बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी गाड़ी से हम आ रखे हैं अभी, और एक ये है संजय भाई जिनके जूते अभी तक बिके नहीं है, खाली यहाँ पर ढेर लगा रखे हैं जूते की। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। और बढ़िया है, हमारे लायक का कुछ, हमारे लायक के लिए कुछ है घूम करके का मतलब है, अभी बताओ है तो आए, नहीं तो हम तो ट्रेन में चलेंगे। ये देख सकते हैं कपड़े, आपको पता ही है आज दीपावली के लिए इतनी भीड़ हो रखी है कि गाइस बता नहीं सकते हम अभी तक। और पापा हमारे संगे और पीछे साइड है दुकान, बहुत सारी दुकान है, और अभी हम दोबारा ट्रैफिक में फंस सकते हैं, इतना ट्रैफिक हो रहा है क्या बताएं। मार्केट का आने बापेट दोनों में।
ना लगाओ, लेट लग जाए तो सारा न्यूज़ कट खत्म हो जाएगा। हम पटाखे तो लिया है, उसकी करनी है टेस्टिंग। तो लोग आज हम करते हैं टेस्टिंग और हमारी अनबॉक्सिंग करनी है पापा मुर्गा। गाइस इतना मजा आया और इतने मजा आया और कैमरा मैन उछल चुके थे। अब दूसरे मुर्गा साहब की टेस्टिंग करते हैं, हम एक एक करके।